ठीक है भाई। सो लीस्ट एटलियर्स प्रिंसिपल हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस प्रिंसिपल के मुताबिक एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में बेटा उस डायरेक्शन में होता है जिसमें वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। बेटा याद कीजिए, हमने पढ़ा था ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। ठीक है भाई, एक टॉपिक पढ़ा था ना, प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। उसमें क्या देखा था कि भाई एक रिवर्सिबल रिएक्शन की ओवरऑल डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। ठीक है भाई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की ओवरऑल डायरेक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, वो हमें किस तरह से पता चलता है, हमने ली शेटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ा था। अब देखो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की ओवरऑल डायरेक्शन चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, जो भी ओवरऑल डायरेक्शन होती है वो इसीलिए होती है कि उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। यानी अगर ओवरऑल डायरेक्शन फॉरवर्ड है, अगर ओवरऑल डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर ओवरऑल डायरेक्शन बैकवर्ड है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होगा। याद रखिएगा कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन की ओवरऑल डायरेक्शन जो भी होती है उसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो कहां तक पहुंच सके, इक्विलिब्रियम तक। अब अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है बेटा, अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है तो स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी डिस्टर्ब। ठीक है बेटा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है, और जब उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगेन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो कहां तक पहुंच सके, इक्विलिब्रियम तक। तो बेटा जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जब भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम तक पहुंचे। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो हमने क्या पढ़ा था कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो अब ओवरऑल डायरेक्शन कोई नहीं होती, दोनों डायरेक्शंस इक्वल हो जाते हैं। हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दें, दोबारा उसी तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। तो बेटा वो एक लाइन मेरे ख्याल से इनफ होनी चाहिए कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। बेटा यहां तक की बात क्लियर है सबको? है भाई, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा उस तरफ होगा जिस तरफ वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच सके। यहां तक की बात क्लियर हो गई है सबको? अब देखो, एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम को किस किस तरह से डिस्टर्ब किया जा सकता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है भाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। तो भाई तीन ऐसे तरीके हैं, तीन ऐसी चेंजेस हैं जिनमें से किसी किसी भी चेंज से हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहली है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। पहला तरीका है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना। बेटे आप सब जानते हो कि एक
जी बेटा, आप सब जानते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कॉन्स्टेंट। हाँ भाई ऐसा ही है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कॉन्स्टेंट। अगर मैं बेटा रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की या दोनों की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब चेंज करने का मतलब बढ़ाना भी होता है और कम करना भी होता है। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से किस डायरेक्शन में जाएगा, कम करने से किस डायरेक्शन में जाएगा? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से किस डायरेक्शन में जाएगा, कम करने से किस डायरेक्शन में जाएगा, ये समझना है। तो बेटा देखो, इसको वहां से शुरू करो कि आप सब जानते हो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है, ना रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और कम होगी, ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी कम होगी, ठीक है बेटा, बल्कि क्या रहेंगे, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट। अब अहम तरीन बात यह है कि अगर मैं उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दूं तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। अब जरा सोचो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स का रेशो, जिसे रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, याद है ना बेटा, क्या कहते थे इस रेशो को, रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये किसके बराबर होता है बेटा, केसी के, ठीक है बेटा, ये रेशो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। अब लेट सपोज मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊ, ठीक है बेटा, लेट सपोज मैं रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं, तो जब मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मजीद रिएक्टेंट्स डाल दूंगा, ठीक है भाई, जब मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मजीद रिएक्टेंट्स डाल दूंगा, तो बेटा मैं डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं, है भाई, मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूं। जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो क्या हो जाएगा, छोटा, और जब रेशो छोटा हो जाएगा तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी रेशो की वैल्यू केसी से कम तो किस डायरेक्शन, ओवरऑल डायरेक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड। तो बेटा अगर मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो ये रेशो जो है उसकी वैल्यू केसी से कम हो जाएगी, और हमने पढ़ा था कि जब भी रेशो की वैल्यू केसी से कम होती है तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या हो जाती है, फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। अच्छा, ऐसा सेम चेंज और किस तरह से हो सकता है भाई, जिस तरह रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बताओ, बताएं भाई, मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी तो छेड़ सकता हूं ना, जिस तरह रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज करूं फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए, तो भाई फॉरवर्ड शिफ्ट जब होती है जब रेशो क्या होता है, डिक्रीज। जिस तरह बेटा रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में है तो रिएक्टेंट्स को बढ़ाने से रेशो डिक्रीज होगा, बेटा प्रोडक्ट्स न्यूमिरेटर में है, प्रोडक्ट्स को कम करने से भी रेशो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगेन बेटा रेशो का डिक्रीज होने का क्या मतलब है, किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आ गई। तो मैं चाहे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं या मैं प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम करूं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ। तो अब आप बताओ बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करने के लिए क्या करूंगा, अगर मुझे बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करवाना है तो क्या करूंगा, जी बेटा बताइए, अगर मुझे बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट कराना है तो मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करता हूं या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज, क्योंकि बेटा बैकवर्ड शिफ्ट जब होगा जब रेशियो की वैल्यू बड़ी हो जाएगी केसी से, और रेशियो की वैल्यू बड़ी कैसे होगी, या तो रिएक्टेंट्स को डिक्रीज कर दूं क्योंकि रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में,
या प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं क्योंकि प्रोडक्ट्स इसमें है न्यूमिरेटर में, तो भाई डिक्रीज इन रिएक्टेंट्स या इंक्रीज इन प्रोडक्ट्स, इन दोनों से क्या होगा? बैकवर्ड। समझ में आ गया बेटा सबको? हाँ भाई क्लियर हो गई सबको ये बात? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई दानिश मुर्तुदा अक्सा ईमान बोर्ड ब्लर हो गया है। अब सही हो गया है। अच्छा भाई दूसरा फैक्टर टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ठीक है भाई। नाउ बेटा टेम्परेचर अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है और मैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज कर दूं तो उससे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड, टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। बेटे अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे कि बेटा ये देखो, अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट कहाँ लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड पे। सबको पता है ना भाई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट कहाँ पे लिखते हैं? प्रोडक्ट साइड पे। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट को क्या मानते हैं? प्रोडक्ट। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं इस रिएक्शन का तो आप सब जानते हो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हीट एंटर करनी पड़ेगी, है ना भाई? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हीट डालनी पड़ेगी। और हीट क्योंकि प्रोडक्ट है तो हीट डालने का मतलब है प्रोडक्ट डालना। और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम मिक्सचर में डालेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड। तो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज इन टेम्परेचर से होता है बैकवर्ड, जबकि डिक्रीज इन टेम्परेचर से होता है फॉरवर्ड। इसी तरह अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए, जैसे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में भाई हीट कहां पे लिखी जाती है? रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है भाई हीट कहां पे लिखी जाती है हमने बेटा? रिएक्टेंट साइड पे। और इसमें क्या होगा कि हीट को हम क्योंकि रिएक्टेंट मानेंगे ना, तो जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हीट एंटर करूंगा। और हीट क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट एंटर करने का मतलब रिएक्टेंट बढ़ाना, और रिएक्टेंट बढ़ाने से किस तरफ शिफ्ट होता है बेटा? फॉरवर्ड। तो याद रखिएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड और टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड। ठीक है भाई टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड और टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड। बेटा क्लियर हुई है बात सबको? इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने क्या बताया कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर
यानी जिसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड, टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड, ये डिपेंड किस चीज पे करता है, नेचर ऑफ रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड, कम करने से फॉरवर्ड, क्यों, क्योंकि हीट क्या है, प्रोडक्ट। अब अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो, वहां से प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट उठाओ, यहां पर लगा दो, हीट को प्रोडक्ट मानते हैं, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड, कम करने से फॉरवर्ड। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट को रिएक्टेंट मानते हैं, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड, कम करने से बैकवर्ड। बेटा क्लियर हो गया सबको? जी बेटा क्लियर हो गया बिल्कुल? हाँ बेटा, दानिश, ईमान, फहद, कशफ, सना, उमैमा, क्लियर है सबको बेटा? आखिरी है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कुछ मिटाना पड़ेगा बेटा। हाँ भाई, तीसरा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अच्छा बेटा, प्रेशर चेंज सिर्फ और सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम, ये भी प्रेशर चेंज सिर्फ और सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम पर होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर एक गैसियस मिक्सचर है जब ही प्रेशर चेंज का इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये बात याद रखें। ठीक है भाई, अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर गैसियस मिक्सचर है जब ही प्रेशर का इफेक्ट होगा, अदरवाइज प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बेटा अगर इक्वेशन में कोई सॉलिड या लिक्विड है तो आपने, बेटा ये मुर्तजा ये सर्कल शेड के ऊपर बनाया ना, शेड मार्क किया हुआ है, इसलिए कि इधर कुछ लिखना नहीं है, तो लिखेंगे तो नजर नहीं आएगा। आप बहुत अच्छा सवाल किया मुर्तजा आपने, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। ओनली गैसेस इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इफेक्ट को स्टडी करने का एक आसान तरीका है, लेकिन याद रखनी पड़ेगी ये बात आपको, ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखो। आपने सबसे पहले निकालने हैं टोटल मोल ऑन रिएक्टेंट साइड एंड टोटल मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, बिल्कुल वैसे ही जैसे केसी केपी का रिलेशन स्टडी करने में करते थे। ठीक है भाई, क्या निकालोगे? टोटल मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड टोटल मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड, बिल्कुल जिस तरह आप केसी और केपी का रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए निकालते थे। अब देखो, अगर एक तरफ मोल्स ज्यादा है और एक तरफ मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ मोल्स कम है। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम हमेशा उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ मोल्स कम है। ठीक है बेटा, प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ मोल्स ज्यादा है। यानी कि बेटा इसमें ऐसी वो नहीं है, आपने इक्वेशन देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड। और कैसे करोगे, मैंने आपको बताया, टोटल मोल ऑन रिएक्टेंट साइड निकालो, टोटल मोल ऑन प्रोडक्ट साइड निकालो। अगर एक तरफ मोल्स कम और एक तरफ मोल्स ज्यादा है तो भाई प्रेशर बढ़ाने से उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ मोल्स कम है, और अगर प्रेशर कम कर रहे हो तो किस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ मोल्स ज्यादा है। जैसे कि ये देखो, ये रिएक्शन है, अगर पहली चीज देखो क्या सब गैसेस हैं, तो अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब गैसेस हैं। अगर कोई एक भी लिक्विड या सॉलिड है तो इससे आगे ही नहीं बढ़ना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होना, सब गैसेस हैं। तो अब मैंने क्या बताया, टोटल मोल निकालो रिएक्टेंट साइड के, सिर्फ अमोनिया है कितने मोल है, दो, प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल्स हाइड्रोजन है, 1+3 कितने मोल आ गए भाई, 4 मोल आ गए। हाँ भाई, किस तरफ मोल्स कम है, रिएक्टेंट की तरफ मोल्स कम है। मैंने क्या बताया था कि हमेशा प्रेशर
बढ़ाने से किस तरफ शिफ्ट होता है, जिस तरफ मोल्स कम है। ठीक है भाई, तो यहां रिएक्टेंट साइड पे मोल्स कम है तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्टेंट्स की तरफ शिफ्ट होगा यानी कि बैकवर्ड आएगा, और प्रेशर कम करने से ज्यादा मोल्स की तरफ जाता है तो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा यानी फॉरवर्ड होगा। तो इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड और प्रेशर कम करने से होगा फॉरवर्ड। इसी तरह भाई ये रिएक्शन देखो, टोटल मोल्स निकालो बेटा, 2 + 1 = 3 और 2। अब यहां पे भाई प्रोडक्ट साइड पे मोल्स कम है 2 है, रिएक्टेंट साइड पे मोल्स 3 है, ज्यादा है। मैंने क्या बताया था कि प्रेशर बढ़ाने से हमेशा उस तरफ शिफ्ट होता है जिस तरफ मोल्स कम है। तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा यानी कि क्या होगा, फॉरवर्ड। और प्रेशर कम करने से किस तरफ आता है, जिस तरफ मोल ज्यादा है, तो प्रेशर डिक्रीज करने से रिएक्टेंट की तरफ आएगा यानी कि बैकवर्ड। इसमें क्या होगा बताओ, हाँ भाई इसमें क्या होगा जल्दी, जी भाई फहद, नो इफेक्ट। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि टोटल मोल ऑन रिएक्टेंट साइड 1 + 1 = 2, टोटल मोल ऑन प्रोडक्ट साइड भी 2। प्रेशर का इफेक्ट दो कंडीशंस में नहीं होता। पहली कंडीशन अगर गैस या लिक्विड में से कोई एक हो, यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर अगर सॉरी अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर लिक्विड हो तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। चले अगर इक्विलिब्रियम मिक्सचर गैसियस मिक्सचर ही है लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं, जब भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बेटा, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई है। आखिरी कैटलिस्ट है बेटा, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को तो कुछ नहीं कहता। आपको पता है कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन में हिस्सा लिए बगैर रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, यानी अगर स्पीड अप करता है या स्लो डाउन करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट स्पीड अप करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट स्लो डाउन। बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, यानी कि बेटा अगर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है तो मैं कैटलिस्ट निकाल लूं या मजीद कैटलिस्ट डाल दूं, इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम अगर स्टेब्लिश हो चुका है तो मैं कैटलिस्ट मजीद डाल दूं या कैटलिस्ट निकाल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर कैटलिस्ट करता गया है बेटा, ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के टाइम को कम करता है। ठीक है बेटा, ये इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के टाइम को कम, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचा देता है, टाइम को कम कर देता है। ये है बेटा ली शेटलियर्स प्रिंसिपल। इसके बाद हमें इसकी एप्लीकेशन पढ़नी है। एग्जैक्ट 5 मिनट बाद, फौरन नहीं, इसी लिंक से ज्वाइन करना, एग्जैक्ट 5 मिनट बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़।